हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू चेरिश अकेडमी सो नाउ इन टुडेज वीडियो व्हाट वी विल डू इज़ मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास टेन सीबीएसई के उन सबके मैप्स करा दूंगी एक वीडियो में ठीक है दैट इज़ पूरा जो, जो, जो जोग्राफी का मैप का सिलेबस है मैं मैं आज एक वीडियो में कवर करवा दूंगी ठीक है नाउ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे तो सी बी बोर्ड्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला मैप का जो आपको नहीं आए ठीक है ये एक घंटे का वीडियो अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सारे के सारे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं जो नया सिलेबस आया है रिड्यूस सिलेबस आया है उसके सारे मैप्स के टॉपिक आज के एक वीडियो में पूरे कवर करवा दिए हैं एंड इतनी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक्स बताई हैं मैंने आप लोग देखोगे वीडियो में इतना अच्छी तरीके से अपनी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है ठीक है बट डिस्क्लेमर है वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चे को इंडिया का मैप आना चाहिए इंडिया का मैप आना चाहिए इसका क्या मतलब हुआ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है ठीक है जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में आपको वो सारे पता होने चाहिए ठीक है अगर आप लोग को अगर आप लोगों को वो नहीं पता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू तो वॉच दैट कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि इंडिया के सारे स्टेट्स कैसे याद करने हैं ठीक है थीके? बट इंडिया के मैप का आपको आइडिया होना चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इंडिया का मैप एक बार ढंग से पढ़ लें इस वीडियो को देखने से पहले ठीक है नाउ लेट स्टार्ट विद द वीडियो वीडियो का फ्लो यही रहने यही रहने वाला है कि मैं चाप्टज़ आपको मैप्स बताऊंगी ओके सो नाउ लेट स्टार्ट विद द वीडियो दैट इज मेजर सॉइल टाइप्स ठीक है ये मैप में आप लोगों को डिफरेंट स्टेट्स uh, में कौन सी कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन सी कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है ये पता होना चाहिए तो फर्स्टली स्टार्टिंग विथ एल्यूवियल सॉइल ओके ओके सो फर्स्ट इज एलिवियल सॉइल एलिवियल सॉइल से रिलेटेड आप लोग को फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि एलिवियल सॉइल इज़ प्रेजेंट इन नर्दर्न प्लेन्स ठीक है नर्दन प्लेन्स प्लेन्स मतलब क्या होता है प्लेन्स मतलब एक एरिया ऑफ लैंड एक लैंड होता है जो कि बिल्कुल प्लेन होता है दूर दूर तक इट्स ऑल प्लेन ओके एंड नर्दन नर्दन मतलब कि ऐसे प्लेन्स जो कि नर्दन पार्ट ऑफ कंट्री में प्रेजेंट हो ओके सो यू कैन सी द मैप ये होता है नॉर्थ ये होता है साउथ दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट तो नर्दर्न एरिया में जो प्लेन्स हैं वहाँ पर एलोवियल सॉयल प्रेजेंट होती है एलोवियल सॉइल को सुनने के बाद फर्स्ट वर्ड आप लोग के माइंड में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एलोवियल सॉयल इज़ प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन्स ओके अच्छा अब नर्दर्न प्लेन्स में कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर एलोवियल सॉइल प्रेजेंट होती है अ, यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल ओके यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल, ये तीन मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर एलोवियल सॉइल प्रेजेंट होती है मैं वापस रिपीट कर देती हूँ सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि ओ, एलिवियल्स ऑयल को सुनते ही आप लोगों के दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए नॉर्दर्न प्लेन्स ओके नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि ऐसे प्लेन्स जो कि कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट हो ठीक है नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से स्टेट में एलिवियल्स ऑयल प्रेजेंट होती है मेजरली यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में एलिवियल ऑयल प्रेजेंट होती है और माइनरली राजस्थान गुजरात और पंजाब में एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है तो पॉइंट नंबर वन रिलेटेड टू एलुवियल सॉइल इज़ एलुवियल सॉइल इज़ प्रेजेंट इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ अवर कंट्री नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ कहाँ यूपी ओके सो यू कैन सी हियर इन द मैप यूपी दिस इज यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल इन तीन एरियाज़ में मेजरली एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है और माइनर एलुवियल सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट होती है राजस्थान गुजरात एंड पंजाब यहाँ पर पूरे एरिया में नर्दर्न प्लेन्स हैं इसलिए यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है ओके पॉइंट नंबर टू रिलेटेड टू एलुवियल सॉइल इज एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ओके नाउ यू कैन सी दिस दिस मैप ओके ये मैप में आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कोस्ट क्या होता है ऐसे ऐसा एरिया जो कि पानी के पास प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोस्ट सो दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ठीक है एल्युवियल सॉइल प्रेजेंट होती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे ओके सो नॉर्दर्न प्लेन्स जब मैंने आप लोग को नाम बताया था तो नॉर्दर्न प्लेन्स था ब्रॉड नाम नॉर्दर्न प्लेन्स में एल्युवियल सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट थी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल राजस्थान पंजाब एंड गुजरात ठीक है इसी तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है एलोवियल सोइल ऑन द डेल्टाज महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ओके सो यू कैन सी हेयर इन दिस मैप दिस इज़ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ओके एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के डेल्टास पे एलोवियल सॉइल प्रेजेंट होती है तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ दोबारा से जो भी मैंने अभी तक आप लोग को बताया सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि एलोवेल सॉइल इज प्रेजेंट इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स नार्दर्न प्लेन्स में मेजरली यूपी बिहार वेस्ट बंगाल एंड माइनरली राजस्थान पंजाब एंड गुजरात ओके okay, अगर आप मेरे साथ डिक्टेट करोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा याद होगा नेक्स्ट मैंने आप लोग को सेकंड पॉइंट बताया कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कहाँ ऑन दी डेल्टास ऑफ रिवर कृष्णा गोदावरी कावेरी एंड महानदी ओके नाउ पॉइंट नंबर थ्री रिलेटेड टू एल्यूवियल सॉइल इज ओके सो यू कैन सी हियर ये कंट्री का मैप है इस मैप में आप लोग देख सकते हैं दिस इज नॉर्थ दिस इज़ साउथ दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट एलुवियल सॉयल जो है वो कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी प्रेजेंट होती है ठीक है सो दिस इज़ दि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और यहाँ पर भी एलोवियल सॉइल प्रेजेंट होती है तो मैं ओवरऑल आप लोग को बता देती हूँ देखो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर से डिनोट हो रही है एलोवियल सॉइल और आप लोग देख सकते हैं कि नर्दन प्लेन्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में एलोवियल सॉइल प्रेजेंट होती है राइट नॉर्दर्न प्लेन्स में कहा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल राजस्थान गुजरात एंड पंजाब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ऑन दी डेल्टास ऑफ रिवर्स कृष्णा कावेरी गोदावरी एंड महानदी एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो जो भी लाइट ग्रीन कलर से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है वो पूरा एरिया एलिवियल सॉरी एलिवियल सॉइल का है ओके नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल राइट नाउ एज दी नेम सजेस्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेन माउंटेन्सल फॉरेस्ट एंड माउंटेन ऑयल वहाँ पर ही होती है जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं ठीक है और माउंटेन्स होते हैं और इंडिया कंट्री में आप लोग को पता होगा कि डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है तो आप लोग को पता होगा कि डेंस फॉरेस्ट और uh, सारे माउंटेन्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले दैट इज़ इंडिया के नॉर्थ रीजन में प्रेजेंट है नॉर्थ रीजन में भी कहाँ जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश ये जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट और माउंटेन से कवर्ड है ओके तो यू कैन सी हियर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन ये जो डार्क ग्रीन लाइनिंग वाला एरिया है दिस होल एरिया इज़ ऑफ दिस होल एरिया इज़ ऑफ़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ऑयल फॉरेस्ट और, 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 और माउंटेन्स ऑयल का ये पूरा एरिया है देखो एक तो ये एरिया ओके जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला नॉर्थ एरिया ठीक है और ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यू कैन सी हियर देखो एक तो नेपाल के पास वाला एरिया और एक ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यहाँ पर भी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाई जाती है तो आप लोग को क्या करना है ये जो आप लोग की बुक में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल का फिगर बना हुआ है ठीक है एक तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर आई विल एज वन दिस एरिया इज़ टू एंड दिस एरिया इज़ थ्री तो आप लोग को ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल एक तो यहाँ पर नॉर्थ में प्रेजेंट है ठीक है उसके अलावा नेपाल के पास प्रेजेंट है और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में प्रेजेंट है ओके बट ओवरऑल बात करें तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेजरली नॉर्थ रीजन ऑफ द कंट्री में ही प्रेजेंट है ओके नाउ कम्स द नेक्स्ट द नेक्स्ट सॉइल सो द नेक्स्ट सॉइल इज़ एरिड सॉइल एरिड सॉइल उन्हीं रीजन्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ड्राई क्लाइमेट होता है राइट right? और जहाँ पर पानी की कमी होती है ठीक है तो जहाँ पर गर्मी है बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट है उसको सोचकर आप लोग को एक ही रीजन का नाम याद आता होगा दैट इज़ राजस्थान राजस्थान में भी द मोस्ट हॉटेस्ट रीजन इज़ वेस्टर्न राजस्थान देखो ये पूरा राजस्थान है और इसका भी वेस्टर्न पार्ट दैट इज़ दिस पार्ट यू कैन सी हीयर इन मैप लाइट येलो कलर से डिनोट किया हुआ है एरिड सॉइल को एरिड सॉइल जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन वेस्टर्न राजस्थान राजस्थान के भी वेस्ट पार्ट में एरिड सॉइल प्रेजेंट होती है बिकॉज एरिड सॉयल नीड्स ड्राई क्लाइमेट एंड वेरी हॉट वेदर कंडीशन ठीक है तो एरिड सॉइल सिंपल सा है आप लोग को सिर्फ एक टर्म याद रखना है एरिड सॉयल से रिलेटेड कि एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन वेस्टर्न राजस्थान और इसको देखो यहाँ पर मैप में लाइट येलो कलर से डिनोट किया हुआ है नाउ कम्स दी नेक्स्ट सॉइल विच इज ब्लैक सॉइल राइट ब्लैक सॉइल से रिलेट करके आप लोग दो पॉइंट्स याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट दैट इज ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट ऑन दी प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सो देखो मैं आप लोग को पॉलिटिकल मैप दिखाती हूँ देखो पॉलिटिकल मैप में दिस इज़ महाराष्ट्र दिस इज मध्य प्रदेश एंड दिस इज छत्तीसगढ़ ठीक है इनके प्लेट्यूज़ में प्लेट्यूज मतलब कि ऐसा रीजन होता है जो कि अर्थ के सर्फिस से थोड़ा ऊंचा हो ठीक है उस रीजन को बोलते हैं प्लेट्यूज राइट तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लैक uh, सॉइल से रिलेटेड कि ब्लैक सॉइल इज़ प्रेजेंट ऑन दी प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्लेट्यू पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है प्लेट्यू क्या होता है ऐसा एरिया जो कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर हो ठीक है दिस वॉज पॉइंट नंबर वन रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल नाउ पॉइंट नंबर टू रिलेटेड टू द ब्लैक सॉइल इज ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द डेकन प्लेट्यू अब डेकन प्लेट्यू क्या होता है ओके सो यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन इसको बोला जाता है डेकन प्लेट्यू तो ब्लैक सॉइल आल्सो कवर्स अ रीजन ऑफ डेकन प्लेट्यू तो आप लोग ब्लैक सॉइल से रिलेटेड दो पॉइंट्स याद रखेंगे पॉइंट नंबर वन इज ब्लैक सॉइल कवर्स दी मेजर रीजन ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पॉइंट नंबर टू इज आप लोग याद रखेंगे ब्लैक सॉइल कवर द मेजर पोर्शन ऑफ डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू यू कैन सी दिस इमेज ऑफ डेकन प्लेट्यू ऑन योर स्क्रीन ओके सो ब्लैक सॉइल जो है दैट इज डिनोटेड विद दिस सिल्वर कलर देखो आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हो सिल्वर कलर से डिनोटेड है ब्लैक सॉइल तो दिस होल रीजन इज ऑफ ब्लैक सॉइल राइट और इस होल रीजन को बोलते हैं डेकन प्लेट्यू राइट नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल राइट नाउ रेड एंड येलो सॉइल ठीक है रेड एंड येलो सॉइल देखो मैंने आप लोग को अभी ब्लैक सॉइल में बताया था कि दिस इज वॉट वी कॉल एज डेकमेटिव तो रेड एंड येलो सॉयल जो है वो डेकन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू एंड सदर्न पार्ट दिस इज सदर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू सो रेड एंड येलो सॉयल इज प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू राइट यू कैन सी दिस मैप ऑन योर स्क्रीन जो आप लोग की एन में दिया हुआ है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखो ये डेकन प्लेट्यू है और इसके ईस्ट में और साउथ में रेड एंड येलो सॉइल प्रेजेंट है जो कि रेड कलर से डिनोट की गई है उसके अलावा एक और जगह पर रेड सॉइल एंड येलो सॉइल प्रेजेंट होती है दैट इज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ये देखो दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को मेजोरिटी में रेड एंड येलो सॉइल कवर करती है ओके सो दैट इज़ इट फॉर रेड एंड येलो सॉइल नाउ कम्स द लेटरेट सॉयल देखो लेटरेट सॉयल से रिलेट करके आप लोग को सिर्फ एक वर्ड याद रखना है अगर आप लोग वो वर्ड याद रखेंगे तो आप लोग को लेटरेट सॉइल की पूरी लोकेशन याद हो जाएंगी द वर्ड इज़ के टी एम के स्टैंड फॉर केरला एंड कर्नाटका टी स्टैंड फ़ॉर तमिलनाडु एंड एम स्टैंड फ़ॉर मध्य प्रदेश आई एम रिपीटिंग अगेन के स्टैंड फ़ॉर केरला एंड कर्नाटका टी स्टैंड फ़ॉर तमिलनाडु एंड एम स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश तो देखो लेटरेट सॉयल ये देखो दिस दिस रीजन मध्य प्रदेश एंड दिस रीजन केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु तो देखो अगर आप लोगों ने वर्ड याद रख लिया के टी एम की एक बाइक का नाम है अगर आप लोगों ने ट्रिक याद रख ली तो जितने भी लैट्रड सॉयल के रीजन हैं पूरी कंट्री में आप लोग को याद हो जाएंगे राइट right? उसके अलावा यू कैन सी की थोड़ी सी जो लैट्रड सॉयल है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी प्रेजेंट है ठीक है ऑलमोस्ट uh, सारी सॉइल्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रेजेंट होती ही हैं ठीक है एक्सेप्ट फॉर दी एरिड सॉयल ओके एरिड सॉयल और ब्लैक सॉइल के अलावा बाकी सारी सॉइल्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रेजेंट होती ही है एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेजोरिटी में ये सॉइल है दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल ओके सो दैट इज इट फॉर द टाइप ऑफ सॉइल्स ओके okay. सो so, अभी तक क्लास में जितने भी सॉयल के टाइप्स डिस्कस हुए हैं मैं एक बार दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ एलुवियल सॉइल एलुवियल सॉइल से रिलेट करके आप लोग को तीन पॉइंट्स याद रखने हैं पॉइंट नंबर वन इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स पॉइंट नंबर टू इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पॉइंट नंबर थ्री इज़ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ठीक है नॉर्दर्न प्लेन्स में यूपी बिहार वेस्ट बंगाल राजस्थान गुजरात एंड पंजाब ठीक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डेल्टाज ऑफ सम रिवर्स एंड उसके बाद मैंने आप लोग को बताया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ठीक है उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है ठीक है नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बाद मैंने आप लोग को फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल में बताया कि इट इज़ प्रेजेंट इन दी नॉर्थ रीजन ऑफ अवर कंट्री ओके नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के बाद मैंने आप लोग को एरिड सॉइल के बारे में बताया एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन वेस्टर्न राजस्थान ओनली एरिड सॉइल नीड्स ड्राई क्लाइमेट एंड हॉट वेदर कंडीशन तो इसलिए सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल प्रेजेंट होती है ठीक है नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया ब्लैक सॉइल के बारे में ओके ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने आप लोग को दो पॉइंट्स बताए फर्स्ट ब्लैक ऑन दी प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड सेकेंड पॉइंट को बताया दी तो यह जो पूरा का पूरा डेकन प्लेट्यू है इसको ब्लैक सॉइल कवर करती है ठीक है उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया रेड एंड येलो सॉइल रेड एंड येलो सॉइल इज प्रेजेंट इन दस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेकन फ्लैट यू ओके सो यहाँ पर और यहाँ पर यू कैन सी दिस मैप ऑन योर स्क्रीन तो देखो इन दो लोकेशन्स पे रेड एंड येलो सॉइल प्रेजेंट है ओके okay. उसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट सॉइल बताई दैट इज लिटरेड सॉइल ओके okay. उससे पहले मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि रेड एंड येलो सॉइल जो है दैट कवर्स मेजोरिटी पोर्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ठीक है उसके बाद मैंने मैंने आप लोग को लास्ट टाइप की सॉइल बताई दैट इज़ लिटरेड सॉइल लिटरेड सॉइल इज़ प्रेजेंट इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश उसके अलावा थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लिटिड सॉयल को याद करने के लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक भी बताई थी दैट वॉज के टी एम के स्टैंड फॉर केरला एंड कर्नाटका टी स्टैंड फॉर तमिलनाडु एंड एम स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश ओके सो इतना ही था सोयल टाइप्स में ठीक है इतना ही था सोयल टाइप्स के मैप्स में एंड तो जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहला मैप आपको मिलेगा राइस का ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राइस है वो मेजरली कहाँ ग्रो होती है आपको पता होगा सबको कि आ, राइस जो है वो बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर्स पर ग्रो होती है दैट इज़ मोर देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा टेम्परेचर के साथ साथ राइस को जो रेनफॉल है वो भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है ठीक है सो so, ये दो मेजर क्वालिटीज़ होती है राइस की कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उसके साथ जाद, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है कभी अगर आपने राइस को ग्रो होती हुई फोटो देखी होगी तो आपको पता होगा कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए ठीक है और पानी जो है वो पड़ा ही रहता है उधर ठीक है तो इट रिक्वायर्स मोर टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट ये उसके बाद का पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है दैट शुड बी कि जो राइस है वो ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और कोस्टल रीजनज़ में है। ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन नॉर्थ ईस्टर्न और कोस्टल रीजन में ग्रो होती है कोस्टल रीजन मतलब ऐसे रीजन जो कि यहां पर सी के पास हो ठीक है दैट मीनस ये जो सारे रीजन हैं दीज आर कोस्टल रीजन ठीक है तो राइस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कि यहां वाले रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न और कोस्टल रीजन जादा ग्रो होती है इट रिक्वायर्स मोर रेनफॉल एंड मोर टेम्परेचर ठीक है तो ये क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए राइस के बारे में ठीक है उसके बाद कमिंग टू द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस जो स्टेट्स राइस को मेजरली प्रोड्यूस करते हैं आप लोग इस मैप में देख सकते हैं आई एम जस्ट जूमिंग दिस मैप इन ठीक है आपको सिर्फ मेजर प्रोड्यूसर्स याद करने हैं ठीक है तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि असम में बहुत अच्छी अमाउंट में राइस प्रोड्यूस होती है ठीक है असम के बाद उत्तर प्रदेश के भी काफी एरिया में राइस प्रोड्यूस उिडी होती है उत्तर प्रदेश के बाद टॉकिंग अबाउट बिहार वहां पर भी राइस प्रोड्यूस होती है झारखंड वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ ठीक है उसके बेंगाल उड़ीसा में भी राइस प्रोड्यूस होती है दिस इज़ उड़ीसा ठीक है उसके अलावा अगर थोड़ा नीचे आए तो नीचे यू कैन सी तमिलनाडु में भी राइस प्रोड्यूस होती है अच्छे अमाउंट की तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में भी राइस प्रोड्यूस होती है ठीक है और उड़ीसा में भी होती है ठीक है तो सबसे अगर मैं मेजरली बात करूं तो मेजरली नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जो ये वाला स्टेट है दैट इज असम वहां पर बहुत मेजरली राइस प्रोड्यूस होती है ठीक है उसके अलावा जो सारे ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं ठीक है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स मतलब कि ओडिशा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ठीक है आपको पता होगा कि दीज आर ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स क्योंकि ये ईस्ट की साइड पे हैं और एक कोस्ट के पास हैं इसलिए इनको ईस्टर्न कोस्टल स्टेट बोला जाता है ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में बहुत अच्छे क्वांटिटी में और क्वालिटी में राइस प्रोड्यूस होती है सो दैट इज ओडिशा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, ठीक है अच्छा अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं इनके पास वाले स्टेट्स ठीक है दैट इज़ वेस्ट बंगाल इज एन ईस्टर्न कोस्टल स्टेट उसके पास दैट इज़ झारखंड छत्तीसगढ़ वहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी में राइस अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी में राइस प्रोड्यूस होती है ठीक है उसके अलावा उत्तर प्रदेश ठीक है तो ये कुछ मेजर एरियाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं ठीक के अलावा वेस्टर्न कोस्ट पे भी कहीं-कहीं एरियाज में जो राइस है वो प्रोड्यूस होती है ठीक है बट आप लोग देख सकते हैं कि जो मेजर एरिया है दैट इज़ ईस्ट वाले साइड ठीक है बाकी वेस्टर्न कोस्ट पे भी राइस जो है वो प्रोड्यूस होती है बट दैट इज़ माइनर एरिया ठीक है माइनर एरिया कहाँ कहाँ पर है महाराष्ट्र में है उसके अलावा कर्नाटका में है केरला में है ठीक है और थोड़ा गुजरात में भी है ठीक है तो मैं अगर समअप करूँ तो मैं आपको यही बोलूंगी कि देखो कोस्ट के साइड दोनों साइड राइस प्रोड्यूस होती है बस बट जो कोस्ट का ईस्ट साइड है दैट इज द मेजर प्रोड्यूसर और जो कोस्ट का वेस्ट साइड है दैट इज दी माइनर प्रोड्यूसर ठीक है उसके अलावा का नॉर्थ एरिया में भी राइस प्रोड्यूस होती है ठीक है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश झारखंड ये जो एरियाज हैं ये ऑल दो जो कोस्ट हैं उसके पास नहीं है ठीक मतलब कोस्ट से बिल्कुल जॉइन नहीं है ठीक है बट यहाँ पर भी ये, राइस जो है वो प्रोड्यूस होती है ठीक है सो यही आपको पता होना चाहिए राइस के बारे में एक बार आप लोग ये मैप देख लेना मैप आपका यू नो डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि देखो ये जो स्टेट है राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल भी राइस नहीं प्रोड्यूस हो रही है उसके अलावा जो बिल्कुल नॉर्थ में है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वहाँ पर भी इतने अच्छे इतने अच्छे क्वांटिटी में कुछ राइस प्रोड्यूस हो नहीं रही है ठीक है उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आसाम के अलावा स्टेट है नहीं ठीक है उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो मिडिल में दैट इज मध्य प्रदेश और उसके अलावा महाराष्ट्र का मेजर पार्ट कर्नाटक का मेजर पार्ट यहाँ पर भी राइस प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो मैंने आपको बता दिया कि राइस जो है वो मेजरली जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पर प्रोड्यूस होती है ठीक है उसके अलावा उत्तर प्रदेश झारखंड ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि के पास नहीं है बट यहां पर भी राइस जो है वो प्रोड्यूस होती है है ठीक उसके अलावा अगर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि राइस के लिए ज़्यादा टेम्परेचर और ज्यादा रेनफॉल रिक्वायर्ड है और पंजाब और हरियाणा में इतना ज्यादा रेनफॉल होता नहीं है बट फिर भी जो यहाँ का रीजन है वहां पर यू नो आर्टिफिशियल इरीगेशन मेथड से राइस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है ओके उसके अलावा नाउ लेट कम टू वीट ओके तो वीट को इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती है फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है वो वीट के लिए सफिशियंट होती है ठीक है उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि वीट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए ठीक है मतलब कि रात में तो वीट को ग्रो करने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए बट दिन के टाइम वीट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए ठीक है तो आपको पता होगा कि कोई ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर क्या होता है कि सर्दी के टाइम पर रात में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है बट दिन के टाइम पर काफ़ी अच्छी धूप धूप भी, भी निकलती है और लोग जो है वो बाहर जाकर थोड़ी धूप सेकते हैं ठीक है तो ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं इंडिया में ठीक है तो वैसे टाइप का ही जो टेम्परेचर ते, है वो आ, वीट को चाहिए होता है वीट को बेसिकली कूल टेम्परेचर चाहिए होता है बट उसको सनशाइन भी चाहिए होती है प्रॉपर ठीक है तो सर्दियों के टाइम पे जो वीट है वो ग्रो की जाती है ठीक है और 50 टू 75 सेंटीमीटर दैट इज रेनफॉल तो काफी कम रिक्वायर्ड होती है वीट को ठीक है तो जो यहाँ यहाँ वाला एरिया है दैट इज पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ठीक है उसके अलावा कुछ पार्ट यूपी का कुछ पार्ट राजस्थान का कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का ठीक है जो यहाँ वाला यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर रेनफॉल इतनी ज्यादा होती नहीं है ठीक है रेनफॉल इतनी ज्यादा होती नहीं है दैट इज सर्दियों में से फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर कूल टेम्परेचर होता है जो कि चाहिए होता है वीट को और जो दिन दिन के टाइम पे यहाँ पर प्रॉपर सनशाइन जो है वो निकलती है ठीक है तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं इन सारे एरियाज़ में वीट को ग्रो करवाने के लिए ठीक है नाउ द थिंग इज़ जो वीट और राइस है उसके आपको मेजर ये तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स पता होने चाहिए ठीक है ठीके? उसके अलावा आपका जो सिलेबस है मैप में उसमें क्या है लेट मी शो यू तो आपको जो वीट और राइस है उसके काफ़ी सारे एरियाज़ पता होना ज़रूरी है क्योंकि वो पूछे जाते हैं बट जो बाकी सारे क्रॉप्स हैं उनके इतने ज़्यादा एरियाज़ आपको पता होने ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेजर प्रोड्यूसर्स आपको पता होने चाहिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉटन है कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर कौन है uh, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ठीक है उसके अलावा रबर का जो मेजर प्रोड्यूसर है दैट इज़ केरला और तमिलनाडु ठीक है ओके okay. उसके बाद जो जूट है उसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन हैं वेस्ट बंगाल बिहार और आसाम ठीक है तो आपको सिर्फ बेसिकली दो दो तीन तीन स्टेट्स याद रखने हैं दैट इज़ आपको जो बाकी क्रॉप्स हैं दैट इज़ शुगर केन कॉटन रबर जूट उनके मेजर प्रोड्यूसर्स याद रखने हैं ठीक है तो मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पर इस वीडियो में uh, जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो बता दूंगी ठीक है मैप के अंदर तो आपको उनकी पोजिशन पता ही है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन से कॉटन uh, के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है दैट इज़ मैट मैट में एम स्टैंड फॉर महाराष्ट्र ए प्रदेश एंड टी फॉर तमिलनाडु ठीक है रबर के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है के ई टी के ई टी में के ई स्टैंड फॉर केरला एंड टी स्टैंड फॉर तमिलनाडु डब्ल्यू ए बी आपको याद रखना है झूठ के लिए इन विच डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट बंगाल ए स्टैंड फॉर असम एंड बी स्टैंड फॉर बिहार ठीक है अब देखो यहाँ पर जो हो जाती है कि कॉटन में ए स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश ठीक है एंड जो जूट है उसमें ए स्टैंड फॉर आसाम ठीक है तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर आपको कोई शॉर्टकट याद रखना है तो उसके अंदर आपको मेक श्योर sure करना है कि उसका फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो ठीक है सो कॉटन के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज़ मैट के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज केट और जूट के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज डब्ल्यू ए बी वैप ठीक है WAB, उसके अलावा बाकी जो क्रॉप्स हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ बाकी आपको देखो शुगर केन कॉफी और टी याद रखना है ऑयल सीज आपको याद नहीं रखना है ठीक है तो स्टार्टिंग विथ शुगर केन शुगर केन आ, के तीन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूपी हरियाणा और तमिलनाडु ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन शुगर केन कोई इतना कुछ स्पेसिफिक मेथड नहीं है इसको याद रखने का आपको सिर्फ इन स्टेट्स को याद रखना ही पड़ेगा ठीक है तो शुगर किंग को आपको याद रखना ही पड़ेगा कोई ट्रिक भी नहीं है इसको याद रखने की दैट इज आपको याद रखना पड़ेगा यूपी तमिलनाडु एंड हरियाणा ठीक है उसके अलावा कॉफी और टी को याद करने की बहुत अच्छी सबको पता है एज एन इंडियन आपको सबको पता है कि जो टी है वो सबसे अच्छी असम साइड पे ग्रो होती है सबको पता है कि असम में बहुत अच्छी क्वालिटी की जो टी है वो प्रोड्यूस होती है ठीक है तो टी टी के लिए तो कुछ डाउट ही नहीं है सबको वैसे ही याद होगा कि टी जो है वो असम में बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है असम के अलावा जो टी है वो केरला और तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है ये अच्छी... आई होप कि आप सबको पता हो ठीक है उसके अलावा बात करते हैं कॉफ़ी की कॉफ़ी का एक ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज़ कर्नाटका ठीक है ये आपको याद होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ये जो तो चैप्टर है एग्रीकल्चर इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैप को देखना बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है स्टेट्स को याद करना ठीक है जो मेजर स्टेट है आपको वही पूछा जाएगा ठीक है तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई किस क्रॉप का क्या क्या स्टेट स्टेट uh, है ठीक है तो शुगर केन के तीन स्टेट्स हैं यूपी तमिलनाडु एंड हरियाणा कॉफी का इस कर्नाटक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ठीक है और ती के लिए आसाम केरला और तमिलनाडु नाउ द थिंग इज इसके लिए देखो कोई नहीं है आपको ये स्टेट्स याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको और मतलब और कुछ आपको डिटेल में स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप लोग एग्रीकल्चर का मेरा एक वीडियो देख सकते हैं फोर्टी मिनट्स का वीडियो है मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है उस एक वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है तो आप लोग वो वीडियो एक बार देख लीजिए उससे आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि स्टेट कैसे याद है ठीक है सो दैट इज इट फॉर एग्रीकल्चर चैप्टर सो देर आर टोटल एट डैम्स इन वाटर रिसोर्सेज चैप्टर ठीक है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर की जो थ्योरी है वो आपके सिलेबस में नहीं है बट मैप में ये आठ डैम्स आपको याद करने हैं ठीक है दीज एट डैम्स ये आठ डैम आपको याद करने हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है लोकेशन एज़ वेल एज़ लेबलिंग राइट सो सबसे पहले आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं वर्ड नंबर वन इज़ नहीं तो एंड वर्ड नंबर टू इज़ सब तो ठीक है ये जो वर्ड है नहीं तो इसके अंदर एन ए स्टैंड फॉर नागार्जुन सागर डैम एच आई स्टैंड फॉर हीरा एंड टी इन तो स्टैंड फॉर तुंगाभद्रा डैम ठीक है उसके बाद आता है सप तो सप तो में एस ए स्टैंड फॉर सलाल डैम बी स्टैंड फॉर भाकरा नागर डैम एंड टी ओ टी ओ में टी स्टैंड फॉर टहरी डैम ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन ठीक है आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड इज़ नहीं तो एंड द सेकेंड वर्ड इज़ सब तो ठीक है ये मैं इस तरीके से ही क्यों याद करवा रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी बट अभी के लिए आपको दो वर्ड्स याद करने हैं दैट इज़ नहीं तो एंड सब तो नहीं तो में एन ए स्टैंड फॉर नागार्जुन एच आई स्टैंड फॉर हीराकुड एंड टी स्टैंड फॉर तुंगाभद्रा ठीक है एंड सब तो में एस ए स्टैंड फॉर सलाल बी स्टैंड फॉर भाकर नागल एंड टी स्टैंड फॉर टेहरी ठीक है तो ये दो वर्ड्स आपको इस तरीके याद करने हैं राइट नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब तो में भी तो है और नहीं तो में भी तो है ठीक है बट डट द टी इन नहीं तो स्टैंड फॉर तुंगाभद्रा एंड द टी इन सब तो स्टैंड फॉर टेहरी ठीक है आपको सिर्फ ये याद करना है ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन नहीं तो में एन ए स्टैंड फॉर नागार्जुन सागर एच आई स्टैंड फॉर हीराकोट एंड टी स्टैंड फॉर तुंगाभद्रा ठीक है सप तो में एस एस ए स्टैंड फॉर सलाल बी स्टैंड फॉर भाकरा नागल एंड टी स्टैंड फॉर टेहरी राइट ओके नाउ लेट जस्ट कम टू द मैप ठीक है अच्छा इस मैप में आप लोग तीन पैटर्न देख सकते हो राइट right? तीन जगहों पर देख सकते हो जो कि डैम सिचुएटेड है ठीक है दिस इज प्लेस नंबर वन दिस प्लेस नंबर टू एंड दिस इज प्लेस नंबर थ्री ठीक है ये तीन मेजर रीजन देख सकते हो जहां पर आपके जो सिलेबस के डैम्स uh, हैं वो सिचुएटेड हैं. राइट नाउ सबसे पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया था दैट वॉज सब तो राइट right. ओके okay. तो मैंने ये वर्ड आपको इसी तरीके से क्यों याद करने के लिए बोला बिकॉज एस ए इन सब तो स्टैंड फॉर सलाल ठीक है एंड सलाल इज द फर्स्ट डैम विच इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद आते हैं बी ठीक है बी से जो डैम है दैट इज भाकरा नागल डैम और भाकरा नागल डैम है सेकेंड डैम विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश भाकरा नागल डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम है ये डैम हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और इस डैम में ही दस से ज्यादा साल लग गए थे ठीक है आज की डेट पे भी भाकरा नागल डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम है ठीक है अच्छा सब हो गया उसके बाद सप्तों में टी से था टहरी ठीक है जो कि एक डैम है विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड राइट तो मैंने आपको सब तो ये वर्ड याद करने के लिए क्यों बोला था ये ये वर्ड मैंने आपको इसलिए याद करने के लिए बोला था क्योंकि जितने भी डैम्स इस वर्ड में हैं, वो एक साथ सिचुएटेड हैं, ठीक है आप लोग देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ठीक है एंड सब तो ठीक है सब में एस ए स्टैंड फॉर सलाल विच इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर बी stands for नागल विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश and T stands for टेहरी which is situated in उत्तर प्रदेश ये जो तीनों dams हैं ये line से इंडिया के मैप में situated है right? अच्छा उसके बाद मैंने आपको एक और word बताया था that is नहीं तो राइट right? ये वर्ड बताया था मैंने आपको ओके okay. ना नहीं तो ये जो वर्ड है इसके अंदर एन ए स्टैंड एच आई हीराकुट डैम एंड टी स्टैंड तुंगाभद्रा डैम ठीक है अच्छा अब सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन डैम की ठीक है सो द नागार्जुन डैम इट इज बेसिकली सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश राइट ओके सो लेट मी जस्ट शो यू दिस इज आंध्र प्रदेश ठीक है ये जो है बेसिकली अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि ये पार्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था जो कि इस मैप में नहीं है तो देखो ये पार्ट तो है तेलंगाना का ठीक है और ये और ये वाला जो पार्ट है ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है और यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड है ठीक है उसके बाद बात करते हैं हीराकुट डैम की ठीक है तो जो हीराकोट डैम है इट इज़ सिचुएटेड इन उड़ीसा दैट इज़ हीराकोट डैम इज सिचुएटेड हेयर ठीक है एंड उसके बाद बात करते हैं टी अगेन ठीक है दिस टी स्टैंड फॉर तुंगाभद्रा विच इज सिचुएटेड हेयर इन कर्नाटका ठीक है तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो तीनों डैम्स हैं ये भी लाइन से ही सिचुएटेड है ठीक है अच्छा अब जो मैंने आपको ऊपर ऑर्डर बताया था दैट इज़ सब तो का ऑर्डर बताया था वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर था ठीक है दैट इज एस ए सलाल डैम विच इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है बी स्टैंड फॉर भाखरा नागर डैम विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड टी स्टैंड टेहरी डैम विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड ठीक है बट नहीं तो वाले ऑर्डर में ऐसा नहीं है ठीक है थोड़ा सा उल्टा है इधर ठीक है इधर एन ए स्टैंड फॉर नागा अर्जुन सागर डैम विच इज ह्योर ठीक है एच आई स्टैंड फॉर हीराकुट डैम विच इज एंड टी स्टैंड तुंगा भद्रा डैम विच इज हेयर इन कर्नाटका तो इसका मतलब यह सीक्वेंस वाइज नहीं है ठीक है बट ये तीनों सात है ठीक है सीक्वेंस वाइज नहीं है वो बीच में है ठीक है उसके बाद एच आई वाला जो है इट इज ऑन दी राइट साइड एंड टी ओ वाला जो है इट इज ऑन दी लेफ्ट साइड राइट तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं एन ए एच आई नहीं तो ठीक है बिल्कुल ध्यान से सुनना अહીં તો મે NA stands for नागार्जुन सागर डैम व्हिच इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश ठीक है HI stands for हीराकुड डैम व्हिच इज सिचुएटेड इन ओडिशा एंड TO TO में जो T है इट स्टैंड्स फॉर तुंगाबद्रा डैम व्हिच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, राइट तो ये पैटर्न आई होप आपको याद हो गया होगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं यहाँ वाले दो डैम्स की ठीक है अब यहाँ पे जो दो डैम्स हैं दीस आर राणा प्रताप सागर डैम एंड सरदार सरोवर डैम ठीक है सबसे पहले बात करते हैं राणा प्रताप सागर डैम की ठीक है राणा प्रताप राणा प्रताप सागर डैम जो है इट्स इट स्टार्ट विथ आर ठीक है आर से स्टार्ट होता है राणा प्रताप सागर डैम इसलिए दिस डैम इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान तो जो राजस्थान में डैम सिचुएटेड है दैट इज़ राणा प्रताप सागर ठीक है राजस्थान में जो डैम सिचुएटेड है इट इज़ कॉल्ड एज राणा

तो इस तरीके से मैंने आपको तीन पार्ट्स में ठीक है तीन तीन पार्ट्स में मैंने आपको सारे के सारे डैम्स जो है वो याद करा दिए अब एक बार मैं ओवरऑल लुक दे देती हूँ आपको पूरे मैप का ठीक है दिस इज ओवरऑल मैप ठीक है इस मैप को मैंने आपको तीन पार्ट्स में याद कराया ठीक है सबसे पहले मैंने आपको ये पार्ट याद कराया विथ द वर्ड सब तो उसके बाद मैंने आपको ये पार्ट याद कराया विथ वर्ड इज नहीं तो उसके बाद मैंने आपको ये दोनों डैम्स याद कराए ठीक है तो तीन पार्ट्स में पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने आपको पूरा वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है उसका डैम याद करा दिया ठीक है मैं एक बार दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ ठीक है सो सबसे पहले इस पार्ट पे आते हैं ठीक है इस पार्ट में मैंने आपको एक वर्ड बताया था सब तो सब तो में ऐसे स्टैंड फॉर सलाल डैम बी स्टैंड्स फॉर भाखरा नागल डैम एंड टी स्टैंड फॉर तहरी, सलाल डैम सबसे पहले पहले सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है भाखरा नागल डैम सेकेंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश में ठीक है टहरी डैम थर्ड नंबर पे उत्तराखंड में ठीक है तीन कॉन्जिक्यूटिव तीन पास पास में स्टेट्स हैं और जो डैम्स हैं वो तीनों जगह सिचुएटेड हैं सब तो राइट right. उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था नहीं तो नहीं तो कि जो तीनों डैम्स हैं वो पास पास में सिचुएटेड हैं ठीक है थीके? बट ऐसा नहीं है कि ये लोग तीनों साथ में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सिचुएटेड हैं ठीक है फॉर एग्जांपल नहीं में एन ए स्टैंड फॉर नागार्जुन सागर डैम विच इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश ठीक है यहाँ पर उसके बाद एच हाँ आई स्टैंड फॉर हीराकोट डैम विच इज सिचुएटेड हियर इन उड़ीसा That is on the right side of Nagarjun Sagar Dam and T stands for Tungabhadra which is situated in Karnataka. Right. तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं तो हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर दो और डैम्स हैं जिसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है स्पेसिफिक राइट तो यहाँ पर जो दो डैम्स हैं दो हजार राणा प्रताप सागर एंड सरदार सरोवर डैम जो राणा प्रताप सागर डैम है दैट इज़ सिचुएटेड इन गुज दैट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान आर फॉर राणा प्रताप सागर आर फॉर राजस्थान ठीक है एंड जो नेक्स्ट डैम है दैट इज़ सरदार सरोवर डैम इट इज़ सिचुएटेड इन गुजरात जिसको याद करने की कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है राइट तो इतने से ही डैम्स आपके सीबीएसई टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के सिलेबस में हैं जो कि मैंने आपको सारे याद करवा दिया अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मेक श्योर टू तो राइट इट इन द कॉमेंट्स नाउ कम्स द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको सिर्फ सेवन प्लेसेज याद रखनी है दैट इज आपको तीन थर्मल पावर प्लांट्स के लोकेशन याद रखने हैं और आपको फोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लोकेशन याद रखने हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू थर्मल पावर प्लांट्स, तीन थर्मल पावर प्लांट्स हैं ठीक है नंबर वन इज़ नमरूप इट इज़ सिचुएटेड इन असम, एज यू कैन सी हियर इन दिस मैप ये है नमरूप ये असाम में सिचुएटेड है नंबर टू सिंगरौली सिंगरौली इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश ठीक है सबसे बीच में होता है मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में और वहां पर सिंगरौली है एंड थर्ड प्लेस इज रामागुंडम ठीक है तो जो ये रामागुंडम है इट इज सिचुएटेड इन तेलंगाना ठीक है जैसे कि आपको पता होगा कि पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश था एंड आंध्र प्रदेश इज डिवाइडेड इन टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तो जो रामागुंडम है इट इज़ सिचुएटेड इन तेलंगाना ठीक है तो आपको सिर्फ तीन प्लेसेस याद रखनी है फॉर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया विच इज़ नमरूप विच इज़ सिचुएटेड इन असम सिंगरौली विच इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड रामा गुंदम विच इज़ सिचुएटेड इन तेलंगाना ठीक है अब होता क्या है कि ये आ, हैं तो तीन प्लेसेस बट काफ़ी बच्चों को इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सो देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ कॉल्ड एज़ नासिम रात सॉरी नासिम रैट यू कैन से ठीक है सो रैट ओके सो नासिम रैट okay. so, में एन स्टैंड फॉर नमरूप ए स्टैंड फॉर असम एस आई स्टैंड फॉर सिंगरौली एम स्टैंड फॉर महारा मध्य प्रदेश आर स्टैंड फॉर रामागुंडम एंड टी स्टैंड फॉर तेलंगाना ठीक है तो नमरूप असाम सिंगरौली मध्य प्रदेश रामागुंडम तेलांगना इस तरीके से अगर आपको याद नहीं होता है तो आप लोग ये वर्ड याद कर सकते हैं ठीक है इस वर्ड की हेल्प से आप लोग पूरा ढंग से याद कर सकते हैं जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ द वर्ड इज़ नासिम रैट ठीक है इन नासिम रैट एन स्टैंड फ़ॉर नमरूप विच इज़ इन आसाम एस आई स्टैंड फ़ॉर सिंगरौली विच इज़ इन मध्य प्रदेश आर स्टैंड फ़ॉर रामागुंडम विच इज़ इन तेलांगना ठीक है तो इससे आपको स्टेट्स भी याद हो जाएंगे और जो थर्मल पावर प्लांट्स की लोकेशंस हैं उनका भी नाम आपको इस वर्ड से याद हो जाएगा ठीक है नाउ कमिंग टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं इंडिया में चार लोकेशंस पे हैं दैट इज इंडिया में बहुत सारे लोकेशंस पे हैं बट आपके जो सिलेबस में है वो आपको चार ही याद करने हैं right? राइट तो जो चार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनका सिर्फ नाम याद करने के लिए यू कैन रिमेंबर अ वर्ड विच इज़ वेट एन के टी के ठीक है नंबर वन इज एन ठीक है एन स्टैंड्स फॉर नारोरा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश ठीक है उसके बाद आता है ये के और टी ठीक है अच्छा अब देखो एन के टी के इसको आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है ये एन अलग होगा ये के और टी साथ में होंगे और ये के अलग होगा ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन एन के टी के ये पूरा आपको याद रखना है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सबसे पहले ये एन अलग होगा फिर ये के और टी अलग होगा फिर ये के अलग होगा दिस एन स्टैंड्स फॉर नारोरा व्हिच इज इन उत्तर प्रदेश ठीक है दिस के एंड टी ठीक है एन के टी दिस के स्टैंड्स फॉर कारपकर व्हिच इज इन गुजरात एंड दिस टी स्टैंड फॉर तारापुर विच इज़ इन महाराष्ट्र तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो के और टी है ये दोनों साथ में है ठीक है दैट इज के फॉर कारपकर विच इज़ इन गुजरात एंड टी फॉर तारापुर इन महाराष्ट्र तो ये दोनों बिल्कुल साथ में है दैट इज एक्सट्रीम वेस्ट पे राइट right? तो ये दोनों बिल्कुल एंड बाउंड्रीज पे लोकेटेड हैं extreme वेस्ट पे एक दूसरे के बिल्कुल पास दैट इज कारपकर जो है वो गुजरात के बिल्कुल एंड में सिचुएटेड है और महाराष्ट्र के बिल्कुल स्टार्टिंग में तारापुर

के स्टैंड फॉर करपकर एंड टी स्टैंड फॉर तारापुर ठीक है तो, तो जो नारोरा है इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश ठीक है उसके बाद के और टी के और टी जो है वो दोनों साथ में सिचुएटेड है करपकर इज सिचुएटेड इन गुजरात दैट इज एट द एंड ऑफ द गुजरात एंड तारापुर इज सिचुएटेड एट द स्टार्टिंग ऑफ महाराष्ट्र ठीक है उसके बाद बात आती है लास्ट दैट इज कर्पकम्बी कल्प की तो कल्पकम जो है इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु ठीक है जैसे कि आपको दिख रहा होगा कल्पकम नाम ही ऐसा है कि आपको पता चल गया होगा कि कोई साउथ में ही ठीक है साउथ में ही सिचुएटेड होगा ठीक है तो बहुत इजी है ये जो थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है कुछ भी नहीं है इनमें ठीक है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया दैट इज नासिम रैट ठीक है आप लोग ये वर्ड याद रख सकते हैं उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है एन के टी के एन फॉर नारोरा इन उत्तर प्रदेश के फॉर करपकर इन गुजरात टी फॉर तारापुर इन महाराष्ट्र एंड अगेन के फॉर कल्पकम इन तमिलनाडु राइट नाउ कम्स द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो पहला मैप आपको याद रखना है दट इज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ठीक है कहाँ कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है इंडिया में ठीक है तो आई थिंक अगर आप इंडियन है तो आपको पता होगा कि सबसे अच्छी कॉटन इंडिया में कहाँ पर प्रोड्यूसरा में सूरत में सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है वो प्रोड्यूस होती है ठीक है आपको पता होगा कि सूरत इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड कॉटन आइटम्स एंड कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो लोग स्पेशली सूरत से खरीदने जाते हैं ठीक है तो सबसे पहली जो आपको प्लेस याद रखनी है दैट इज सूरत विच इज़ प्रेजेंट इन गुजरात ठीक है उसके बाद मैं एक वर्ड बता रही हूँ विच इज़ माइक एस के ठीक है माइक एस के एम आई सी माइक एंड देन एस के एम फॉर मुंबई आई फॉर इंदौर सी फॉर कोयम्बटोर एस फॉर सूरत एंड के फॉर कानपुर ठीक है तो अगर आप लोग ये वर्ड याद रहे तो आपको सारी कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत ईजी सारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ पर लोकेटेड है वो तो बहुत ईजीली याद हो जाएगा सो द वर्ड इज़ माइक एस के एम फॉर मुंबई विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र आई फॉर इंदौर विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश देन सी फॉर कोयम्बोर ठीक है उसके बाद कोयंबटूर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु ठीक है उसके बाद आता है एस फॉर सूरत विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात एंड के फॉर कानपुर विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश ठीक है तो आपको इस तरीके से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो याद करनी है ओके नाउ कम्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट मैप जो कि आपके सिलेबस में है राइट right? तो बेसिकली आपकी बुक में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स मिलेंगे ठीक है बट उसके अंदर से काफ जो सी बी एस ई है उसके सिलेबस में काफ़ी कम है ठीक है सो so, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो आपको मिलेगा नोएडा में ना हो uh, सबसे पहले देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सिर्फ उन्हीं जगहों पर प्रेजेंट होते, जो कि थोड़ी सी डेवलप्ड हैं ठीक है ऑफकोर्स बिकॉज दे आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ठीक है तो उन्हीं जगहों पर प्रेजेंट होंगे जो जगह थोड़ी सी डेवलप्ड है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा नोएडा इज़ अ प्लेस नियर डेली ठीक है उसके बाद आता है गांधीनगर गांधीनगर इज़ अ प्लेस इन गुजरात ठीक है उसके बाद महाराष्ट्र में दो जगह हैं दैट इज़ मुंबई एंड पुणे वो दोनों पास पास हैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं ठीक है उसके बाद आंध्र प्रदेश में uh, हैदराबाद एंड कर्नाटका में बेंगलुरु तमिलनाडु में चेन्नई और केरला में तिरु तिरुवंतमपुरम तिरु ठीक है यहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं ठीक है नाव अब काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को लर्न लर्न करने की कोई ट्रिक बता दो ठीक है बट द थिंग इज आपको क्या करना है आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के नाम एक बार अपने दिमाग में रखने हैं ठीक है दैट इज आपको पता होना चाहिए कि नोएडा जो है वहां अलावा मुंबई पुणे गांधीनगर हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम में ये सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? इसको याद करने की कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है आपको सिर्फ ये जो नाम है इनका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए अपने दिमाग में प्लांट्स ठीक है तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेट का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए दैट शुड बी झारखंड ठीक है झारखंड में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि झारखंड जो है वहां पर सबसे अच्छे क्वालिटी के आयरन और स्टील प्रोड्यूस होती है और सबसे ज्यादा क्वान्टिटी में भी होती है ठीक है तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए लिसनिंग टू आयरन एंड स्टील ठीक है झारखंड में बेसिकली दो जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होती है नंबर वन इज़ बुकारो एंड नंबर टू इज़ जमशेदपुर आपको पता होना चाहिए कि बोकारो को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ठीक है तो झारखंड में दो जगहों का नाम आपको याद रखना है नंबर वन इज बोकारो एंड नंबर टू इज जमशेदपुर ठीक है उसके बाद देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आयरन एंड स्टील का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में झारखंड आना चाहिए झारखंड में दो जगह हैं बोकारो एंड जमशेदपुर ठीक है उसके बाद झारखंड के आस वाले दो स्टेट ठीक है दैट इज झारखंड के जस्ट पास वाला स्टेट और यहाँ वाला छत्तीसगढ़ दैट इज झारखंड के लेफ्ट और राइट झारखंड के, के लेफ्ट और राइट दोनों जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ उन दोनों में एक एक आयरन एंड स्टील जो प्रोड्यूसर है उसकी जगह है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल में जो जगह है इट इज दुर्गापुर ठीक है एंड जो छत्तीसगढ़ में जगह है इट इज़ कॉल्ड एज भिलाई ठीक है तो मैं दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ सबसे पहले आयरन एंड स्टील का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए झारखंड झारखंड में दो जगह हैं बोकारो एंड जमशेदपुर उसके पास वाले आपको दोनों स्टेट्स देखने हैं उसके बाद झारखंड के पास वाले जो दोनों स्टेट्स हैं दैट इज वेस्ट और छत्तीसगढ़ ठीक है वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ इन दोनों जगहों पर आय आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होती है ठीक है वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में और छत्तीसगढ़ में भिलाई में ठीक है उसके अलावा आपको दो और स्टेट्स याद रखने हैं रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील दैट इज़ कर्नाटका और तमिलनाडु ठीक है कर्नाटका और तमिलनाडु कर्नाटका में एक जगह है विच इज़ कॉल्ड एज़ विजयनगर और तमिलनाडु में एक जगह है विच इज़ कॉल्ड एज सालेम, ठीक है यहाँ पर भी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होती है ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन कर्नाटका में विजयनगर और तमिलनाडु में सलेम ओके सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर ओके okay, तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सबसे पहला जो मैप है वो आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का ठीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मैप को याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है मेक दिस डायमंड ऑन टू द मैप ये डायमंड बना दिया ठीक है अब इस डायमंड के एक लाइन आप अंदर से निकालेंगे और एक लाइन बाहर से निकालेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पॉइंट से एक लाइन आपने निकाली अंदर की तरफ और इस पॉइंट से आपने निकाली एक लाइन बाहर की तरफ ठीक है इस तरीके से आपके जो सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे ठीक है सबसे पहले आप जो अपना डायमंड स्टार्ट करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे दिल्ली से ठीक है दिल्ली में सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक उसके बाद देखो दिल्ली के अंदर सबसे पहला एयरपोर्ट है इं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है उसके बाद आता है मुंबई का एयरपोर्ट ठीक है अच्छा अब मुंबई का एयरपोर्ट है दैट इज़ छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ठीक है आई थिंक मुंबई के एयरपोर्ट में तो किसी को कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए बिकॉज मुंबई का जो एयरपोर्ट है कभी भी अगर आप लोग किसी को फॉलो कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो आप लोग देखते होंगे कि वो लोग जब स्टोरीज डालते हैं तो वो यूजुअली डालते हैं कि दे आर एट छत्रपति शिपा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ठीक है बिकॉज uh, जो ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो मुंबई में ही रहते हैं तो वो उसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं ठीक है तो जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस इसका नाम याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ सबसे पहले है दिल्ली का एयरपोर्ट जहाँ से आपको आपका डायमंड बनाना स्टार्ट करना है ठीक है दिस इज़ कॉल्ड एज अ डायमंड शेप ठीक है और अ काइट शेप ठीक है तो आपको सबसे पहले बनाना है दिल्ली पे पॉइंट दिल्ली पे आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके बाद आता है मुंबई पे दैट इज छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ठीक है उसके बाद आ जाते हैं चेन्नई पे ठीक है अच्छा अब जो चेन्नई का एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनम बक्कम ठीक है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो चैप्टर था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज उसके अंदर मैंने आपको एक पावर प्लांट पावर प्लांट का नाम बताया था विच इज कल्पक्कम ठीक है तो जो भी ऐसे नेम्स होते हैं विच विच आर एंडेड विथ ए एम ठीक है कल्पक्कम बक्कम ऑल दीज काइंड ऑफ नेम वो जो सारे नेम होते हैं वो यूजुअली साउथ में ही होते हैं ठीक है तो जो चेन्नई के एयरपोर्ट का नाम है इट इज कॉल्ड एज मीनम बक्कम ठीक है उसके बाद अपने डायमंड को कंप्लीट करने के लिए वी विल कम टू कोलकाता ठीक है कोलकाता में जो एयरपोर्ट है इट इज़ कॉल्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ठीक है ये जो कोलकाता आपको पता होगा कि कोलकाता इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल ठीक है सो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इट इज़ कॉल्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको चेन्नई से एक लाइन निकालनी है और दिल्ली से एक लाइन निकालनी है ठीक है अगर आप लोग दिल्ली के ऊपर एक लाइन निकालेंगे तो आपको अमृतसर में एक एयरपोर्ट दिखेगा विच इज़ कॉल्ड एज राजा सा एयरपोर्ट और अगर आप लोग चेन्नई से एक अंदर की तरफ लाइन बनाएंगे तो आपको एक एयरपोर्ट दिखेगा विच इज़ कॉल्ड एज राजीव गांधी एयरपोर्ट इन हैदराबाद ठीक है तो बेसिकली आई एम रिपीटिंग इट ऑल ओवर अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है आपको दिल्ली से स्टार्ट करना है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ठीक है उसके बाद आपको डायमंड बनाना है आपको जाना है मुंबई की तरफ मुंबई में आपको एक एयरपोर्ट मिलेगा विच इज छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है सारे सेलिब्रिटीज इसकी स्टोरी डालते हैं तो आपको दिखा होगा लोकेशन में बहुत बार राइट नाउ कम्स नेक्स्ट विच इज़ चेन्नई का एयरपोर्ट विच इज़ कॉल्ड एज मीनम बक्कम ठीक है बोर्ड है ये चेन्नई का है और मैंने आपको बताया था कि ये जो साउथ में सारे नाम होते हैं दे यूजुअली एंड विथ ए एम ठीक है मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी नाम बताया था विच इज़ कॉल्ड एस कलपक्कम ठीक है दैट वाज सिचुएटेड इन तमिलनाडु ठीक है तो जो, जो साउथ में नाम होते हैं दे यूजली एंड विथ ए एम ठीक है उसके बाद वी विल कम टू कोलकाता कोलकाता में जो एयरपोर्ट है दैट इज कॉल्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ठीक है डायमंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है उस डायमंड में आपको एक लाइन अंदर से निकालनी है एक लाइन आपको निकालनी है बाहर से ठीक है तो जो अंदर वाली लाइन आप लोग निकालेंगे चेन्नई से आप लोग एक लाइन निकालेंगे तो आपको एक एयरपोर्ट मिलेगा विच इज़ कॉल्ड एज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना में हैदराबाद है ये वहाँ पर सिचुएटेड है ठीक है उसके बाद आप लोग दिल्ली से एक लाइन बाहर निकालेंगे तो अमृतसर में एयरपोर्ट है इज कॉल्ड राजा एयरपोर्ट ठीक है सो दैट इज इट ये थे सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ओके सो बेसिकली यार मैप याद करने की यही कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको बता रही हूं नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मेजर पोर्ट्स ठीक है तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी पोर्ट्स होते हैं ऑल ऑफ द पोर्ट्स आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट लाइन ठीक है ये होता है ईस्टर्न कोस्ट और ये होता है वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट ठीक है तो जितने भी पोर्ट्स हैं ऑफ कोर्स वो सारे के सारे यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर ही सिचुएटेड होंगे ठीक है तो आपको ये सारे पोर्ट्स का स्टेट भी याद होना चाहिए ठीक है और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो पोर्ट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ uh, कहाँ पर सिचुएटेड हैं कौन सी कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड हैं ठीक ये बहुत अच्छी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि कैसे इसको याद करना है ठीक है सबसे पहला जो पोर्ट है जो कि आपको याद रहना ही चाहिए नो मैटर व्हाट दैट इज कांडला पोर्ट ठीक है तो जो कांडला पोर्ट है इट इज़ सिचुएटेड इन गुजरात राइट तो बेसिकली हुआ क्या था इंडिपेंडेंस के बाद आपके चैप्टर में भी ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि कराची पाकिस्तान को दे दिया गया था ठीक है और सारा का सारा जो प्रेशर था इंडिया इंडिया के मुंबई पोर्ट पर आ गया था ठीक है तो इंडिया के मुंबई पोर्ट से प्रेशर हटाने के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद विच वॉज कॉल्ड एस कांडला पोर्ट ठीक है तो ये इंडिपेंडेंस बनाया गया पहला पोर्ट था ताकि मुंबई पोर्ट पे इतना प्रेशर ना आए ओके okay, क्योंकि इंडिया का एक बहुत अच्छा पोर्ट दैट इज कराची पोर्ट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था ठीक है तो नंबर वन पोर्ट विच यू नीड तो टू रिमेंबर इज कांडला पोर्ट ठीक है उसके बाद कांडला पोर्ट के बाद आपको तीन एम रिमेंबर करने हैं ठीक है कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन गुजरात ठीक है उसके बाद आपको तीन एम याद करने हैं ठीक है तीन एम कौन से हैं मुंबई मारमा एंड न्यू मैंगलोर ठीक है तो आप लोग को यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा पैटर्न ये है कि भाई जितनी भी पूरी कोस्ट लाइन है ठीक है इसको बोलते हैं पूरी कोस्ट लाइन ठीक है उसके हर स्टेट में कोई ना कोई पोर्ट सिचुएटेड ही है ठीक है तो सबसे पहला पोर्ट जो है दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात ठीक है उसके बाद वाला पोर्ट विल बी इन महाराष्ट्र उसके बाद वाला पोर्ट विल बी इन गोवा एंड उसके बाद वाला पोर्ट विल बी इन कर्नाटका ठीक है तो हर स्टेट में एक पोर्ट तो है ही है ठीक है ऐसे सारे स्टेट जो कि यहाँ कोस्ट के पास सिचुएटेड हैं उन हर स्टेट में एक पोर्ट तो आपको याद करना ही है तो गुजरात में आपने याद किया कांडला ठीक है उसके बाद आपको तीन एम याद करने हैं दैट इज मुंबई विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र ठीक है उसके बाद आपको याद करना है मानमागाँव मारमागा इज सिचुएटेड इन गोवा आई थिंक सबने ये ट्रिक बना लियो अभी तक बना ली होगी अभी तक मानमागांव के पीछे क्या है जी ए ओ ठीक है एंड गोवा इज जी ओ ए ठीक है तो इस तरीके से आपको मानमागाँव याद करना है उसके बाद आता है न्यू मैंगलोर न्यू मैंगलोर इज सिचुएटेड इन कर्नाटका ठीक है तो कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो सिचुएटेड है ठीक है यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिखती होगी सबसे पहले गुजरात में कांडला विच वाज दी फर्स्ट पोर्ट विच वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद ये जो तीन एम हैं ये आपको याद करने हैं ओके okay, उसके बाद आपको बेसिकली एक पूरा सेंटेंस याद करना है ठीक है ये सेंटेंस क्या है एक ये सेंटेंस एक लड़की के बारे में है उस लड़की का नाम है कैटी ठीक है तो जो कैटी है वो अपनी कैट से बात करती है बहुत पोलाइटली उसके घर पर ठीक है कैटी टॉक्स टू कैट वेरी पोलाइटली एट होम ओके कैटी टॉक्स टू कैट वेरी पोलाइटली एट होम कैटी जो है वो कैट से बात करती है बहुत पोलाइटली घर पर इसी तरीके से आपको जो ये सेंटेंस है वो याद रखना है ठीक है नाउ, बहुत ध्यान से सुनना सब ठीक है वेट ओके के इन कैटी स्टैंड्स फॉर कोची ठीक है टी स्टैंड्स फॉर ट्यूटिकॉरन ओके okay, इस वाले टू को आप लोग को इग्नोर करना है और यहां पर एट को आप लोग को इग्नोर करना है ठीक है सिर्फ मेजर वर्ड्स पे ध्यान देना है इस टू एट इन पे ध्यान नहीं देना है ठीक है अब आता है कैट सी इन कैट स्टैंड चेन्नई ठीक है ओके okay. नाउ एक बार के लिए इसको हटा देती हूं वी इन वेरी स्टैंड फॉर विशाखा पतनम. ठीक है P in politely stands for paradip. Paradip. Me ko spelling dekhne do ek baar. Okay, it's paradip. Paradip. ठीक है. And H at home stands for haldiya. Right. I do not think and I am 100% sure श्योर कि इससे अच्छी ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलने वाली ठीक है थीके? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ देखो यहाँ पे इतना मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दिया था कि सबसे पहला जो पोर्ट बना था इंडिपेंडेंस के बाद दैट वॉज कांडला विच इज सिचुएटेड इन गुजरात ठीक उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको तीन एम याद करने हैं दैट इज मुंबई मालमगांव एंड न्यू मैंगलोर ठीक है मुंबई सबको बहुत इजीली याद हो जाएगा क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में है मुंबई उसके बाद मालमगांव बहुत इजीली याद हो जाएगा क्योंकि मालमागांव के पीछे जी ए ओ आता है एंड गोवा स्टैंड फॉर जी ओ ए तो सबको याद हो जाएगा कि मालमगांव इज प्रेजेंट इन गोवा ठीक है न्यू मैंगलोर सबको याद हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि तीन एम है ठीक है एम 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 ओके सो न्यू मैंगलोर इज सिचुएटेड इन कर्नाटका ठीक है प्रॉब्लम इसके बाद से आती है ठीक है प्रॉब्लम इसके बाद से स्टार्ट होती है ठीक है तो इसके बाद से आपको एक सेंटेंस याद रखना है कैटी टॉक्स टू कैट वे लाइटली एट होम के स्टैंड्स फॉर कोची टी स्टैंड्स फॉर ट्यूटिकोरिन सी स्टैंड्स फॉर चेन्नई वी फॉर विशाखापट्टनम पी फॉर पैरादीप एंड एच फॉर हल्दिया राइट ठीक है तो आते हैं अपने सेंटेंस पे ओके okay? So, मैंने आपको क्या सेंटेंस बोला था कैटी ओके वेट लेट मी जस्ट जूम इट जूम इट इन ओके कैटी टॉक्स टू कैट वेरी पोलाइटली एट होम ओके आई होप अभी तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ठीक है के फॉर कैटी दैट इज कोची विच इज सिचुएटेड इन केरला ठीक है तो यहाँ पर आपको अब आप स्टेट्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से याद करवा दिया है कि स्टेट्स आपको बहुत ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ठीक है क्योंकि सीरियल नंबर वाइज ही है स्टेट मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे कोस्ट पर ही लोकेटेड हैं और ये जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर ही सारे के सारे पोर्ट्स लोकेटेड होंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ तक हो गया था दैट इज़ मैंने आपको कर्नाटका तक बता दिया था कर्नाटका के बाद एक स्टेट आता है है हैला के, के अंदर है कोची व्हिच इज कैटी उसके बाद टॉक्स टू तो कैट ठीक है अब ये जो स्टेट है दैट इज तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर दो पोर्ट्स हैं ठीक है उसके बाद है विशाखापट्टनम. ठीक है वेरी पोलाइटली एट होम ठीक है तो आई अब इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत इजीली सारे के सारे पोर्ट्स याद हो गए होंगे ओके